where I want, my aim is with this company to make soul music, which connects to everybody, not just commercial people, like commercial music for Bollywood people or Telugu music for South people. I want to make music where everybody can listen to a single track and connect to it. That's my aim for this company. Audience can expect every genre that exists in this world, from hip-hop, rap, R&B, soul music, South Indian music, Indian music, everything. We're going to cover everything. There is a trend of recreation. So are you focusing on that also, or you are only into original music? No. I believe that we have created enough tracks which have been remade and remixed for everybody to listen. I think my aim is to create something which is more original and which people haven't listened till now. There are so many music companies like T-Series, Z-Music, Sony Music. So how you are different from them? Like I said before, I want to make soul music. Soul music is something which connects to everybody. Like you hear a melody and you're just like, okay, this is catchy, I like this. So I want to make something like that, not just okay, that beats funky, I listen to it, but it has no meaning to it. कितनी खुशी होती है as a musician? बहुत ही खुशी की बात है और हमेशा एक अच्छी चीज़ है जब कोई एक नई म्यूज़िक कंपनी है लॉन्च होती है और नए लोगों को चांस देगी ये म्यूज़िक कंपनी और म्यूज़िक में नए लोगों के साथ काम ही नहीं करेगी बट के नए गानों को प्रमोट करेगी और एक अच्छा एवेन्यू बन जाता है. काफ़ी सारी कंपनियाँ आई हैं और इनबॉक्स भी एक आज ही अनाउंस हुई है और कुरेशी जी ने इसको लॉन्च किया है. आई विश हिम ऑल द बेस्ट और आई एम श्योर कि इनका जो प्रोडक्शन हाउस होगा ये भी अच्छा काम करेगा, अच्छी पिक्चरें बनाएंगे ये और अच्छा म्यूज़िक करेंगे. तो द मोर द मैरियर. बहुत अच्छी बात है कि ये कंपनी लॉन्च हो रही है और इसमें कई लोग अपना म्यूज़िक करेंगे और अच्छी बात है. ज़्यादातर ओरिजिनल म्यूज़िक पे काम किया जाएगा इसमें, ना कि रीमेक पर. तो क्या ख्याल है सर इस पर आपका? हाँ, इनबॉक्स में देखिए ओरिजिनल म्यूज़िक में ही काम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि कितना आदमी रिमिक्स सुनेगा आजकल. आप हर पिक्चर जो देखेंगे उसमें एक ना एक पुराना गाना ही 90s का या 80s का या 2000 का रिमिक्स होके आ जाता है या उससे भी पुराना आ जाता है. तो जो नए लोग हैं उनको मौका भी नहीं मिलता क्रिएशन का और एक नए सुनने की जो मज़ा आता है और जो एक नया हिट होता है गाना, वैसा पुराना तो हो नहीं सकता क्योंकि पुराना तो जो है वो गोल्ड हो चुका है. इतना कल्ट म्यूज़िक है हमारा, उनको छेड़ना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है. और ये बहुत एक अच्छा अटेम्प्ट है कि नए म्यूज़िक को इन लोग प्रोत्साहन देंगे और इमरान कुरैशी जी नए म्यूज़िक को और नए कलाकारों को बढ़ावा देंगे. बहुत अच्छी बात है. पहले तो पहले बात तो ये कि आप म्यूज़िक से कनेक्टेड हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू सो मच. प्लस इमरान, दिस इज एंड यू हैव कम विद दिस म्यूज़िक लेबल इनबॉक्स म्यूज़िक एंड गॉड ब्लेस यू. मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैंने सुना कि एक आपकी फिल्म भी अभी फ्लोर पे है अभी. yes, yes. फिल्म फ्लोर पे डेड ने की है ना? yes. उसका म्यूजिक भी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर रहा. ओके ओके, तो वो भी इस पे ही आएगा म्यूजिक. yes. इसी पे रिलीज करेंगे होपफुली. yeah. तो उस फिल्म के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये जो अभी एक सुनामी आई है ना पारुल एंड म्यूजिक लेबल्स की, सब एक से एक बढ़कर सब लोग अच्छे अच्छे आ रहे हैं. प्लस ये हमारे राजस्थान के हैं, करेक्ट ना? साउथ के हैं. डैड आपके हैं शायद? ये डैड इज़ फ्रॉम राजस्थान. तो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड इनबॉक्स, एक तो आपका लोगो बहुत अच्छा लगा मुझे, इनबॉक्स म्यूजिक करके. बिल्कुल डिफरेंट हटके है वो. एंड तो व्हाट यू हैव डन टिल नाउ? अभी तक वी हैव मेड लाइक सोल म्यूज़िक. लाइक आई सेड बिफोर कि हम लोगों को सोल म्यूज़िक बनाने कंपनी में, वेयर मेलेडी सुन के टच हो जाए इंसान, नॉट जस्ट के कमर्शियल हो. हाँ, कमर्शियल रोमांटिक म्यूज़िक. रोमांटिक म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक. ओके ओके ओके. तो रोमांटिक नेवर डाइज. रोमांटिक आइटम नंबर आते हैं और फिल्म के साथ चलते हैं फिर चले जाते हैं. ट्रू. लेकिन रोमांस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है.
जैसे रीजनल है, माता के भजन है या नाथ है, ये हाँ डिवोशनल सब लाइफ लॉन्ग चलते हैं. तो रोमांटिक म्यूजिक भी ऐसा है कि वो हमेशा जब तक दुनिया है और उसमें अच्छा म्यूजिक आ जाए, फिर आप जैसा यंग लड़का उसको कंपोज करे तो फिर वो तो लाइफ लॉन्ग रहना ही रहना है, है ना. एंड द मीडिया भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा हो गया है कि आपकी हर चीज़ आपको भी संभालने की ज़रूरत नहीं, वो डिजिटल मीडिया खुद संभालता है और आपको पूरी जिंदगी भर ताज़ जिंदगी आपको जिंदा रखती है. सबसे पहले तो साजिद हमारी फैमिली है, तो इमरान भी हमारा बेटा ही है, और इमरान इतनी मेहनत कर रहा है देख के बहुत खुशी हुई कि इसने खुद ने इतना 1.5 साल से इतना अच्छा बना लिया. तो इमरान को कॉन्ग्रेचुलेशन और साजिद की पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन. म्यूजिक का जो भी सिनेरियो है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज बीइंग प्रमोटेड, जैसे इनबॉक्स म्यूजिक भी अभी लॉन्च हुआ है और इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑल ओवर द वर्ल्ड से रिलीज करने वाले हैं, सो आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक बहुत, वैसे भी म्यूजिक बहुत बड़ा मार्केट है, तो जो इमरान ने चुना है वो बेस्ट डिवीज़न है, तो वैसे भी मतलब सक्सेस 100% मिलना है इमरान को. डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है, ख़ासकर मेरे बहुत ही अजीज़ इमरान कुरैशी साहब, वो जो भी करते हैं बहुत लाइविश, बहुत बड़ा करते हैं, और इसका मुझे बहुत यकीन है कि इन बॉक्स म्यूज़िक जो लॉन्च होने जा रहा है ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जितने भी सिंगर्स हैं म्यूजिशंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. और मैं तहे दिल से इमरान भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ ही मुझे लगता है कि हम जितने भी सिंगर्स और इस म्यूज़िक से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत खुशी की बात है. सर ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग नए आर्टिस्ट को और ओरिजिनल म्यूज़िक पे ज़्यादा काम करेंगे, तो सर ये कितनी खुशी की बात है? नहीं बिल्कुल, जिस तरह से आजकल म्यूज़िक ज़्यादातर ओरिजिनल म्यूज़िक से लोग दूर होते जा रहे हैं, मुझे लगता है पुराने म्यूज़िक में जो बात थी वो लोग उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है. मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल म्यूज़िक हमेशा आना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है. मैंने आज तक मुझे लगता है जब भी किसी म्यूज़िक की बात की है तो ओरिजिनल म्यूज़िक को ही हमेशा मैंने रिकॉर्ड किया है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है जब लोग ओरिजिनल म्यूज़िक की बात करते हैं, और ये मेरा मतलब पूरी तरह से उनके मैं साथ हूँ. और इनबॉक्स म्यूज़िक हेलो मिमले सिनी सेलिब्रिटीज रियल स्टोरीज एंटो टेल्स कालनंदा लेटेस्ट का रिलीज आये मूवी रिव्यूज नेर चप्ते विनालनंदा इंकेंद कालस्यम यो सिनी टाकेस नी सब्सक्राइब चेस कोंडे बाय. हाँ अनटो इंका विषय मर्च पे आनो किंदा ओक गंटा सिंबल एंटन्दे दन लाग बटे ओक कट गोटन्दे.